हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। दोस्तों होप्स आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की एक और लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज की जो अपडेट होने वाली है वो खजूरी खास से लेके शास्त्री पार्क तक की होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, खजूरी खास में यहाँ पर बहुत हैवी पिलर एक बनाया गया है जो फ्लाईओवर के जस्ट इस तरफ है। तो उसकी फाउंडेशन दोस्तों काफ़ी बड़ी की गई है। उसके बाद दोस्तों ये भी फ्लाईओवर के जस्ट बराबर में एक कोर पिलर की फाउंडेशन हो गई थी काफ़ी पहले ही, बट अभी इसको तैयार नहीं किया गया। इससे आगे दोस्तों यहाँ से रोड क्रॉस करने के बाद यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है पिलर्स की, जिनके ऊपर अब कंक्रीट मिक्सचर डाल के उनको तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों पहले ये वाले पिलर्स नहीं तैयार थे, अब इनको भी तैयार किया जा रहा है। और राइट साइड में दोस्तों यहाँ से एग्ज़िट का काम चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप अक्षरधाम की तरफ से आएंगे तो आप यहाँ पर एग्ज़िट ले सकेंगे। और ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर उसकी साइड वॉल का काम चल रहा है। तो देखिए साइड पैनल को तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर दोस्तों फ्लोरिंग का काम डन हो चुका है। ये सारे पिलर्स बनके तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर दोस्तों पिलर कैपिंग का काम चल रहा है। लगातार काफ़ी सारे पिलर्स यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। काफ़ी हाइट दोस्तों इनकी होने वाली है दोस्तों, 6 लेन का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइट वाली ये पिलर बनाए गए हैं, बिकॉज दोस्तों खजूरी खास के फ्लाईओवर के और मेट्रो के ऊपर से जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर ये पिलर्स काफ़ी हैवी और काफ़ी ऊपर की तरफ बनाए हुए हैं। बट डोंट वरी दोस्तों, ये काफ़ी हैवी हैं, ये कभी गिरेगा नहीं ऐसा सोचना नहीं। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे को आते हैं दोस्त के सिंगल पिलर के ऊपर इतना लंबा एक्सप्रेस वे 6 लेन का, आगे खतरा हो सकता है गिरने का। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, काफ़ी हैवी बनाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये जो एग्ज़िट है उसका काम हो चुका है। यहाँ पर गर्डर्स रखने के बाद इसके ऊपर फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों जो पीक पिलर हैं इनके ऊपर भी ये पिलर कैपिंग का काम डन हो चुका है। और आगे भी दोस्तों यहाँ पर ये देखिए स्टील गेज का काम है जो डन हो चुका है। अब इसके अंदर कॉन्क्रीट मिक्सचर डाल के इसको कम्प्लीट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब सारे ही पिलर्स यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं। आगे तक आपको दिखाऊँगा शास्त्री पार्क तक, कोई भी ऐसा पिलर नहीं बचा जो बनके तैयार ना हुआ हो। और अब सबके ऊपर पिलर कैपिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों पिलर्स धीरे धीरे डाउन होते जाते हैं और यहाँ पर एक लेवल में आ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ही हाइट जाती है पिलर्स की ऊपर की तरफ। और ये देखिए यहाँ पर 5 पुस्ते से पहले अभी यहाँ पर गर्डर्स को रखने का काम डन हो चुका है। गर्डर्स फिक्स कर दिए गए दोस्तों, अब इनके ऊपर फ्लोरिंग का काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे रहेगा 6 लेन का सर्विस रोड और ऊपर होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 6 लेन का। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सपोर्ट लगाई जा रही है फ्लोरिंग के लिए और आयरन के गार्टर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं दोस्तों। उसके ऊपर आयरन की एक सीट बिछा दी जाती है, फिर दोस्तों उसके ऊपर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये देखिए कंप्लीट हो रहा है काम धीरे धीरे और काफ़ी तेज़ी से ही दोस्तों काम हो चुका है। अभी तक 80% काम कंप्लीट हो गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का फेज़ 1 का। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको वीडियो दिखाई थी पावी से लेके खजूरी तक, वहाँ पर भी देखिए जो ग्राउंड फील्ड का काम है काफ़ी ज़्यादा डन हो चुका है। बहुत तेज़ी से वहाँ पर भी सर्विस रोड बनाई जा रही है। और ये देखिए दोस्तों, लेफ्ट में यहाँ से एंट्री मिलेगी आपको इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए, और आप अक्षरधाम की तरफ जा सकेंगे। NH24 से कनेक्ट होगा दोस्तों, एक वीडियो मैंने उसकी भी बनाई थी कहाँ से ये कनेक्ट करेगा, कहाँ से आप NH24 की तरफ से भी आप DDE के ऊपर आ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप जा सकते हैं अक्षरधाम नोएडा की तरफ इस एक्सप्रेस वे के थ्रू। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लोरिंग का काम चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए आप ऊपर देखेंगे तो फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है इस वाले पैच में। और ये लास्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर फ्लोरिंग का काम डन नहीं हुआ था। और अब देखिए, ये देखिए यहाँ से अब सपोर्ट भी हटा दी गई है, गर्डर्स के ऊपर फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो गया है एक लंबे पैच में। और लेफ्ट साइड में देखेंगे दोस्तों, यहाँ तक गर्डर्स को रखने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये होगी दोस्तों एंट्री, और आगे दोस्तों यहाँ पर एक एग्ज़िट भी दी जाएगी इसी वाले लेफ्ट साइड में। सो दोस्तों ISBT वाले रोड से कनेक्ट हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप देहरादून की साइड से आते हैं तो आप यहाँ पर भी एग्ज़िट ले सकेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब बीच वाले पार्ट में यहाँ पर भी फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो गया है। तो आयरन के गार्ड्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और नीचे दोस्तों यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का काम भी चल रहा है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो गया है।
और इससे आगे दोस्तों बीच में यहाँ पर अभी गर्डर्स नहीं रखे गए हैं और इस जगह दोस्तों गर्डर्स को कनेक्ट करने का काम चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर कंक्रीट मिक्सचर भरा जा रहा है गर्डर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों सारे ही प्लर्स के ऊपर यहाँ पर गर्डर्स को रख दिया गया है और फटाफट दोस्तों अब यहाँ पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट किया जा रहा है। तो काफ़ी सारा काम दोस्तों यहाँ पर हो गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इस वाले रोड पे, शास्त्री पार्क वाले रोड पर। तो ये आ गया दोस्तों थर्ड पुस्ता। लास्ट टाइम दोस्तों बीच में यहाँ पर इस जगह अभी गर्डर्स नहीं रखे हुए थे, बट अब यहाँ पर भी गर्डर्स को कनेक्ट कर दिया गया है और अब यहाँ पर फ्लोरिंग के लिए सीट बिछाई जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ तक देखिए फ्लोरिंग के लिए सीट बिछा दी गई है और उससे आगे भी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों सामने तक गर्डर सारे फिक्स हो चुके हैं। और इस जगह से दोस्तों ये जो प्लर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यहाँ पर, इन प्लर्स के ऊपर भी प्लर कैपिंग का काम हो चुका है। तो यहाँ से दोस्तों आपको एग्जिट मिलेगी न्यू उस्मानपुर की तरफ जाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी गर्डर्स रख दिए गए हैं एग्जिट वाले पार्ट में। तो यहाँ से दोस्तों नीचे की तरफ आपको एग्जिट मिल जाएगी और दोस्तों शास्त्री पार्क से आपको इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए, यानी कि आप देहरादून की तरफ अगर जाएंगे तो आपको शास्त्री पार्क से एंट्री मिलेगी इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों दिन रात काम हो रहा है यहाँ पर, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम हो चुका है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। तो मार्च या अप्रैल तक ये बन के तैयार हो जाएगा फेज़ वन का जो दोस्तों काम है। तो फेज़ वन को दोस्तों ये स्टार्ट कर देंगे, उसका उद्घाटन हो जाएगा इलेक्शन से पहले। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी अब साइड पैनल का काम चल रहा है इस एग्जिट वाले पार्ट में। तो यहाँ पर अब कंक्रीट मिक्सचर डाल के इसकी वॉल को तैयार किया जा रहा है, फ्लोरिंग का काम यहाँ पर डन हो चुका है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक्सप्रेसवे के पार्ट में भी यहाँ पर फ्लोरिंग का काम डन हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम भी बना दिया गया है, लास्ट टाइम यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना था। तो यहाँ तक दोस्तों ये प्लर की एंडिंग हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे नीचे लेवल में आ जाएगा ये वाला रोड और ये आ गया दोस्तों न्यू उस्मानपुर। और यहाँ पर भी दोस्तों फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो गया है और बीच में दोस्तों जहाँ पर फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ है वहाँ पर अभी दोस्तों सपोर्ट लगाई जा रही है। और दोस्तों इस जगह पिलर के साथ साथ यहाँ पे बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा ताकि दोस्तों दोनों साइड का ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो। कुछ पार्ट्स में दोस्तों यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए दिया जाएगा लोकल्स के लिए। और ये देखिए दोस्तों यहाँ से आगे तक फ्लोरिंग का काम डन हो चुका है। तो ये दोस्तों न्यू उस्मानपुर हमने क्रॉस कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी पहले ही ये फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। और इससे आगे दोस्तों इस जगह भी यहाँ पर जो पिलर्स हैं वो थोड़े हाइट में ऊपर जाने वाले हैं, बिकॉज आगे है दोस्तों शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर, तो उसके ऊपर से जाएगा दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पर जाल बनाया जा रहा है फ्लोरिंग के लिए और यहाँ तक दोस्तों गर्डर्स को फिक्स करने का काम डन हो चुका है। और इससे आगे भी दोस्तों सारे पिलर्स के ऊपर पिलर कैपिंग का काम हो चुका है, कुछ पिलर्स अभी बचे हुए हैं दोस्तों जो हाइट में ज़्यादा हैं उनके ऊपर अभी पिलर कैपिंग का काम बचा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे पिलर्स, इनके ऊपर पिलर कैपिंग काम हो चुका है। और यहाँ से ही दोस्तों राइट साइड से आपको एंट्री मिल जाएगी इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। अगर आप इस एरिया के नियर बाय रहते हैं या फिर आगे भी कहीं रहते हैं तो आप ISBT वाले रोड से आके इस वाले रोड के ऊपर एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये वाले जो पिलर हैं ये थोड़े हाइट में ऊपर रहने वाले हैं, तो अभी यही पिलर्स बचे हैं जिनके ऊपर पिलर कैपिंग का काम नहीं हुआ है। अदरवाइज दोस्तों सारे पिलर्स यहाँ तक बन के तैयार हो चुके हैं, यानी कि सारे पिलर्स के ऊपर पिलर कैपिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी हाइट ऊपर रख रहे हैं तो इसलिए इनके ऊपर दोस्तों जैसे आप खजूरी में देखा था आपने वैसे ही पिलर कैपिंग काम होगा। तो ये देखिए दोस्तों कितनी हाइट इन पिलर्स की। और राइट साइड में आप देख रहे हैं ये जो पिलर्स हैं ये हैं दोस्तों एंट्री वाले पिलर्स। और सामने दोस्तों आ गया है शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर। तो बीच में दोस्तों ये कुछ पिलर्स अभी बचे हुए हैं जिनके ऊपर पिलर कैपिंग का काम नहीं हुआ है, बिकॉज अभी दोस्तों
इनको तैयार किया जाएगा एक लेवल देखकर जो सामने फ्लाईओवर है उसके हिसाब से। तो दोस्तों राइट साइड में जो आप पिलर्स देख रहे हैं, जो एंट्री वाले पिलर हैं, इनके ऊपर भी जो बचे हुए पिलर हैं उनके ऊपर पिलर कैपिंग का काम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाले जो पिलर हैं यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। ये वो जगह है दोस्तों सासे पार्क की, यहाँ से आप एक लूप मिलेगा आपको ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है लेफ्ट साइड वाले पिलर जो एंट्री के हैं। बीच वाले जो पिलर होंगे दोस्तों वो गांधीनगर से बनते हुए आ रहे हैं, और ये हो गए एक्सप्रेसवे के पिलर्स। तो दोस्तों जैसे ये बन के रेडी हो जाएंगे फिर इनके ऊपर गर्डर्स रख के इनके ऊपर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, और ये बहुत जल्द दोस्तों ये बन के तैयार हो जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी कॉन्क्रीट मिक्सचर डाला जा रहा है अभी, और यहाँ पर देखिए दोस्तों सपोर्ट लगाई जा रही है और लगा दी गई है दोस्तों यहाँ पर। अब इसके ऊपर भी दोस्तों पिलर कैपिंग काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से तो ये ऐसे लेफ्ट की तरफ घूमता हुआ जाएगा, तो सारा आपको एक्सप्रेस वे नज़र आएगा दोस्तों यहाँ से। ये देखिए सारा बन के तैयार हो चुका है। तो होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।